एक ऐसा सबमरीन जो समुद्र की गहराइयों में जाने के बाद अचानक से उसमें इम्प्लोजन हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम टाइटन सबमरीन के इम्प्लोजन के पीछे की विज्ञान को समझेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमको एक्सप्लोजन शब्द को समझना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हम दिवाली पे कोई भी पटाखा चलाते हैं जैसे कि सूतली बम, तो उसमें आग लगाते हैं। जब वो आग बारूद में जाती है तो बारूद में बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं जिसकी वजह से वो सूतली बम फट जाता है, तो उस कंडीशन में उस चीज़ को कहेंगे एक्सप्लोजन। और इम्प्लोजन जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे कि किसी चीज़ का सिकुड़ना इम्प्लोजन होता है। तो अब मैं आपको इसे एक एक्सपेरिमेंट से करके दिखाता हूँ। दोस्तों इम्प्लोजन को समझने के लिए हमें यहाँ पर टिन के डिब्बे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, और इस वाले टिन के डिब्बे को जब तक गर्म करना है जब तक इसके अंदर का पानी भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी सी भाप निकलना शुरू हो चुकी है, और अब हमको एक कपड़े से पकड़ कर इसे ज़मीन पर रख देना है और टिन के डिब्बे का ढक्कन भी लगा देना है। और जब हम इस पर ठंडा पानी डालेंगे तो यहाँ पर टिन के डिब्बे का यहाँ पर इम्प्लोजन हो जाएगा और ये एकदम चिपक जाएगा। तो टाइटन सबमरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो जब इसके अंदर स्टीम थी तो हमने यहाँ पर इसके बाहर पानी डाला तो वो स्टीम पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसके कारण भीतर का प्रेशर बाहरी प्रेशर से कम हो गया, इसलिए वातावरण ने इसके ऊपर दबाव डाला और यहाँ पर इसको पिचका दिया।